उत्तर भारत में चली तीव्रता अंत को राजधानी ढिल्ली सहा हरियाणा पंजाब यूपी उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में चली गालुलु वणिकिस्तुन्नायि पल चोट रात्रि उष्णोग्रता 2 डिग्री नमोदयाई मरको चोट माइनस डिग्री टेंपरेचर्स रिकॉर्ड चली तीव्रता तो इपटे स्कूल मुंदस्त हालिडेस प्रकटिंचारु भोपाल रेवा सत्ना जिल्लालो रिकॉर्ड स्थायिलो कनिष्ट उष्णोग्रता पड़िपोयिनट्लु आईएमडी तेलिपिंदि विंटर सीजन तो जम्मू कश्मीर हिमाचल भारी मंचु कुरुस्तोंदि श्रीनगर सहा प्रधान प्रांताल्लो रात्रि उष्णोग्रतलु माइनस 3 डिग्रीस की पड़िपोयाई इपटिके दाल सरस्सु तो पाटु परिसराल्लोनी नदुल्लो नीरु गड्डकट्टिंदी हिमाचल प्रदेश लोनी अटल टनल नु मंचु कप्पेयटंतो राकपोकलु बंद अय्यायि అటు ఢిల్లీలో దట్టమైన పొగమంచుతో ఉదయం పూట సరైన వెల్తురు లేక వాహనదారులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. చలి మంటలతో ఉపశమనం పొందుతున్నారు. పొగమంచు కారణంగా ఢిల్లీ నుంచి పలు చోట్లకు రైళ్లు ఆలస్యంగా నడుస్తున్నాయి. అటు తమిళనాడులోని ఊటీ, కోటగిరి, కునూర్ ప్రాంతాల్లో దట్టమైన పొగమంచు కప్పుకుంది. సరైన వెల్తురు లేక కొండ ప్రాంతాల్లో ప్రయాణిస్తున్న వాహనదారులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. और बहुत अच्छा वेदर हो रहा है इस टाइम, सभी को निकलना चाहिए. मैं मैराथन रनर हूँ तो मैं डेली 8-10 किलोमीटर रहता है और सुबह वेदर बहुत ही अच्छा है, सबको निकलना चाहिए. मैं डेली निकलता हूँ तो मॉर्निंग वॉक नहीं है, जॉग कर रहे हैं, रन कर रहे हैं. ग्रुप है हमारा पूरा और भी लोग हैं पीछे. ये नेहरू पार्क है, यहीं पर हम लोग रन करने आते हैं. गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली सबसे. मैं खुद नोएडा से आया हूँ, ये दिल्ली से हैं, कुछ लोग गुड़गांव से आते हैं. 3 किलोमीटर का लूप है, यहीं करते हैं. सैटरडे संडे काफ़ी कॉमन आप देखोगे, बहुत भीड़ रहती है यहाँ पर, तो काफी अच्छा लगता है नेहरू पार्क. हाँ बिल्कुल, हमें सुबह उठ के बाहर जाना चाहिए, वॉक पे जाना चाहिए, बट वी हैव टू इंश्योर कि हम बहुत सारी लेयरिंग करके आए प्रॉपर, कि सर्दी ज्यादा ना लगे. बट यस, ऐसा नहीं है कि हमें मॉर्निंग वॉक में नहीं आना, ठीक ठाक ही कर रहे हैं. लेकिन सुबह उठ के कंबल से निकल के आने में बड़ी तकलीफ है, तो बस वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. बाकी यहाँ के आगे तो अच्छा ही लगता है. बस सर सुबह उठने की कोशिश करिए, थोड़ा कंबल छोड़ो तो मौसम अच्छा है, ठंड अंदर तक लगती है, बाहर आके तो ठीक है सब. पहले से तो मतलब पहले तो अजीब सा वो धूल था, अब तो ऐसे वैसा पहले वाला जैसा नहीं है. अभी भी क्या आँखों में जलन? हाँ आँखों में जलन, क्या हल्का फुल्का जलन, ये जो धूल धूल कोहरा है उसकी वजह से धूल आँखों में. अभी ऐसा कुछ तो नहीं? नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं, बस ठंड है. हाँ अभी ठंड है. बचने के लिए सर देख लो, सोल ओढ़ रखा हूँ, कान में बांध रखा हूँ, आधा घंटे पहले कमरे से उठ लिया हूँ. 7 बजे की ड्यूटी है और 7 बजने ही जा रहे हैं हम अपनी ड्यूटी पे, आ गया हूँ सर जी.